दीपावली की रामा श्यामा का दौर जारी है और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल आज दीपावली की रामा श्यामा करने निकले हैं। केथुनी पोल से उन्होंने शुरुआत की, जगह जगह पर अमित धारीवाल का स्वागत किया जा रहा है, कई फलों से तोला जा रहा है तो कई मिठाइयों से तोला जा रहा है। एक एक प्रतिष्ठान पर वो पहुंच रहे हैं, शहरवासियों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनको दीपावली की मुबारकबाद दे रहे हैं। लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, धार्मिक संगठनों की ओर से अमित धारीवाल का लगातार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सब्जी मंडी क्षेत्र की है, केथुनी पोल से ये सिलसिला जो शुरू हुआ उसके बाद लगातार अमित धारीवाल जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोग आगे आ रहे हैं और आके उनका स्वागत किया जा रहा है, वो भी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और दीपावली की शुभकामनाएं सभी को प्रेषित कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। महापौर जो है दोनों शहर के, मंजू मेहरा, राजीव अग्रवाल, उप महापौर सोनू कुरैशी, डॉक्टर जफर मोहम्मद, गोविंद शर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष, शिवपाल ननवाना सहित तमाम जो कोटा के कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी उनके साथ में जो है साथ साथ चल रहे हैं। केथुनी पोल से ये सिलसिला शुरू हुआ है स्वागत का और वो लगातार जारी है, शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है और रामा श्यामा दीपावली की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, व्यस्तम इलाका है क्योंकि पुराने शहर का इलाका है, परकोटा क्षेत्र का इलाका है, तो छोटी छोटी तंग गलियों में भी जो है पहुंच करके अमित धारीवाल सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबके बीच में पहुंचकर उनको दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जहां भी जिस इलाके में भी वो जा रहे हैं उनके पास पहुँच रहे हैं और फोटो खिंचवाना, सेल्फी लेने का भी क्रेज जो है वो लगातार जारी है। मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा अमित धारीवाल, लगातार स्वागत का दौर जारी है, जहाँ भी आप जा रहे हैं लोग आपको फलों से तोल रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और मेरे युवा साथी और मेरे पिता समान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है सब मेरे साथ में हैं और आम जनता का जो प्यार देख रहा हूँ मैं अपने आप के अंदर खुशी से समा नहीं पा रहा हूँ। इतना प्यार मेरे को मिल रहा है, मैं छोटा सा जनसेवक हूँ और उसको इतनी कोटा की जनता प्यार करती है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। तो लगातार वो लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, व्यापारी जो है सब्जी मंडी क्षेत्र के वो भी लगातार स्वागत कर रहे हैं। शाम ढल चुकी है और अब अमित धारीवाल परकोटा इलाके में पहुंचे हैं। टिपटा से आज शाम को उन्होंने जो है रामा श्यामा की शुरुआत की और उसके बाद लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाटन पोल जो इलाका है वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया, जगह जगह पर जो है स्वागत द्वार लगाए गए हैं, जहाँ पर भी जो बीच में मंदिर पड़ रहे हैं, मंदिर जो आ रहे हैं वहाँ पर भी अमित धारीवाल पहुँच कर जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं और सुख समृद्धि खुशहाली की कामना कर रहे हैं। ये जो जैसे जो पुराना शहर है, ये इलाका जो है इस इलाके में व्यस्तम इलाका है और लगातार जिस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्वागत द्वार जगह जगह लगाए गए हैं और लोग आतुर हैं उनका स्वागत करने के लिए। इसके बाद में जो यहाँ से शक्ति चबूतरा जो इलाका है वहाँ से भी जो है उस इलाके में भी वो जा रहे हैं। इसके साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं, शक्ति चबूतरा इलाके की है। इसके बाद मकबरा बाजार जो है वहाँ पर भी जो है अमित धारीवाल का भव्य स्वागत किया जा रहा है और मकबरा के बाद में घंटाघर जो है, यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, में भी जो है भव्य स्वागत अमित धारीवाल का यहाँ पर किया जा रहा है और वो भी सभी प्रतिष्ठानों पर पहुँच रहे हैं। व्यापारिक संगठनों की ओर से स्वागत किया जा रहा है, सामाजिक संगठन भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है उनके स्वागत में जो है लगे हुए हैं। सहयोगी हेमंत के साथ शाकिर अली। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।